सो वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो वर्सेस वन प्लस बर्ड्स 3। दोस्तों वन प्लस की तरफ से आने वाले दो TWS हैं, दोनों ही अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं। वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो की प्राइस 3,300 रुपए है और वन प्लस बर्ड्स 3 की प्राइस 5,500 रुपए है। दोनों की प्राइस में लगभग 2,000 से ज्यादा का डिफरेंस है। सो जो लोग वन प्लस की ये बर्ड्स लेना चाहते हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2,000 रुपए को सेव करना चाहिए या फिर 2,000 एक्स्ट्रा खर्च करना वर्थ रहेगा। इसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वैसे अब Amazon और Flipkart पर फेस्टिव सीजन सेल स्टार्ट हो चुकी है। इससे पिछले सेल में इन Samsung Buds 2 Pro की प्राइस 4,400 रुपए तक कम हो गई थी, जो नॉर्मली 1,100 रुपए के सेल होते हैं। Realme Buds T300 भी आपको 1,200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2,300 रुपए के ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में और ये Honor Magic Watch 2 जो 1,200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5,500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते दोनों के लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। वैसे दोस्तों इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा इनकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर, लेकिन बाकी फीचर्स को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोनों की रिव्यू वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। सो लुक्स और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है। प्रीमियमनेस के मामले में वन प्लस बर्ड्स 3 नेक्स्ट लेवल के हैं। 5,000 की प्राइस रेंज में सबसे प्रीमियम ईयरबड्स मुझे यही लगते हैं। वैसे वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 का डिजाइन ओप्पो इनको एयर 4 प्रो से कॉपी किया गया है, जो चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। वैसे इनका भी डिजाइन अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की बेस्ट है, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ईयरबड्स की बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। अगेन लुकिंग वाइज बर्ड्स 3 काफी प्रीमियम है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। फिटिंग को लेकर वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो मुझे थोड़े से बेटर लगे। कंफर्ट के मामले में दोनों ही अच्छे हैं। दोनों में आपको IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाएगी। देखो लुक्स और डिजाइन को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के लिए प्राइस के हिसाब से इन दोनों के दूंगा 9 out of 10। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स वन प्लस बर्ड 3 डिजर्व करते हैं। वैसे रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, इनके फीचर्स और प्राइस को कंसीडर करके मैंने इनको रेटिंग्स दी है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। आप एक बार इनके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो वन प्लस नॉट बर्ड 3 प्रो 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, डुअल डिवाइस पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, 49 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 40 ms लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 11 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 44 hours की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा वन प्लस बर्ड 3 आते हैं डुअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 10.4 mm के वूफर्स, 6 mm के ट्विटर्स, LHDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, TUV रीनलैंड सर्टिफिकेशन, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, डुअल डिवाइस पेयरिंग, हिमिलिटी ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 49 dB नॉइस रिडक्शन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 94 ms लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 44 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो स्पेसिफिकेशन के मामले में नो डाउट वन प्लस बर्ड्स 3 काफी आगे है। सबसे मेन हाई रेज ऑडियो कोडेक और डुअल ड्राइवर्स जैसे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन टच कंट्रोल्स में एडवांटेज वन प्लस बर्ड्स 3 के पास है। इसमें आप टच स्लाइडर से वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च भी करने पड़ेंगे। लेकिन गेमिंग लेटेंसी के मामले में नॉट बर्ड्स 3 प्रो थोड़े से बेटर है। सो ओवरऑल अगर प्राइस को कंसिडर करें तो स्पेसिफिकेशन के मामले में मैं कहूंगा दोनों ही अच्छे हैं, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एज वन प्लस बर्ड्स 3 के पास है। सो वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो को दूंगा 9 out of 10 और वन प्लस बर्ड्स 3 को दूंगा 9.5 out of 10। दोस्तों अगर दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो दोनों में हिमिलिटी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा, इसको इनकी रिव्यू वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हो। दोनों के एप्लीकेशन में आपको लगभग सभी नेसेसरी फीचर्स मिल जाएंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे 360 ऑडियो वगैरह आपको वन प्लस बर्ड्स 3 के एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेकिन फिर भी दोनों के एप्लीकेशन में आपको ज्यादा कोई इशू नहीं आने वाला, इसलिए दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 8.5 out of 10। अब बात करते दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आप सुन रहे हो वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह के माइक आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। फिर माइक क्वालिटी टेस्ट वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो का, अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जब आप सुन रहे हो वन प्लस बर्ड 3 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। फिर माइक क्वालिटी टेस्ट है वन प्लस बर्ड 3 का, अभी हम आउटडोर में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। दोस्तों 6 माइक्रोफोन का सेटअप आपको दोनों में ही मिलेगा। पर्सनली मुझे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा, बट आउटडोर में स्लाइटली वन प्लस बर्ड 3 थोड़े से बेटर है। वैसे कॉलिंग के लिए दोनों ही सही रहेंगे, बट जब बात आती है एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की तो यहाँ पर दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
इनफैक्ट अंडर 5000 में वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो वन ऑफ द बेस्ट ANC वाले ईयरबड्स मुझे लगते हैं। कम प्राइस में होने के बावजूद वन प्लस बर्ड्स 3 को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। इन दोनों को मैंने आउटडोर्स में भी टेस्ट किया है, वहां पर भी आपको ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं लगेगा। सो माइक क्वालिटी और ANC के लिए इन दोनों को ही दूंगा 9 out of 10। बट अगर प्राइस को कंसिडर करें तो यहाँ पर वन प्लस नॉट बर्ड्स 3 प्रो एक्स्ट्रा पॉइंट डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो एक बार दोनों की लेटेस्ट टेस्ट को भी देख लो। सो OnePlus Nord Buds 3 Pro में 47 मिलीसेकंड और Buds 3 में 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी है। अगर आप दोनों को OnePlus के फोन में यूज करोगे तो ज्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप नॉर्मल फोन में यूज करते हो तो वहां पर OnePlus Nord Buds 3 Pro क्लियरली विनर है। इसमें आपको लेटेंसी काफी कम मिलेगी, सो गेमिंग के लिए मैं आपको OnePlus Nord Buds 3 Pro को ही रेकमेंड करूंगा। ओवरऑल गेमिंग के लिए Nord को दूंगा 9 out of 10 और OnePlus Buds 3 को दूंगा 7.5 out of 10। अब बात करते हैं दोनों के मेन साउंड क्वालिटी की, तो दोनों के मैंने इनके डिफॉल्ट इक्वलाइजर मोड में टेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर OnePlus Buds 3 का हाईरेज मोड ऑन था, इसलिए अगर आप किसी अच्छे हेडफोन के साथ इनके ऑडियो को सुनोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले वोकल टेस्ट। इन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। दोस्तों मैं नहीं जानता कि आप किस हेडफोन से इनको सुन रहे हो और आपको कितनी डिटेलिंग का पता चल रहा है। वैसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि भर भर के बेस का मतलब अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं होता, उसके लिए वोकल्स, ट्रबल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन, बेस और लो फ्रिक्वेंसी साउंड वगैरह सब कुछ बैलेंस होना होता है। यहाँ पर भी हर एक पैरामीटर में OnePlus Buds 3 Nord Buds 3 Pro से कहीं ज्यादा बेटर है और होने भी चाहिए, क्योंकि हाईरेज ऑडियो कोडेक और डुअल ड्राइवर्स के साथ 2000 रुपये महंगे भी है। 3000 के हिसाब से Nord Buds 3 Pro में भी ऑडियो क्वालिटी जबरदस्त है, लेकिन इसमें बेस थोड़ा ज्यादा है, फिर भी वोकल्स को अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। बट जो डिटेलिंग आपको OnePlus Buds 3 में मिलेगी वो इसमें नहीं मिलती। दोस्तों अगर दोनों की प्राइस को कंसिडर ना करें, ऐसी ऑडियो क्वालिटी के लिए दोनों को रेटिंग देनी है, तो OnePlus Nord Buds 3 Pro को दूंगा 8 out of 10 और OnePlus Buds 3 को दूंगा 9.5 out of 10। बट अगर प्राइस को कंसिडर करें तो दोनों ही 9 out of 10 की रेटिंग डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो देखो दोनों ही डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में कम्पीट करने वाले ईयरबड्स है। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट कम है तो ऑब्वियसली OnePlus Nord Buds 3 Pro को ही कंसिडर करना होगा, लेकिन क्या 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना Buds 3 के लिए वर्थ है? तो मैं कहूँगा 4500 रुपये तक डेफिनेटली वर्थ है, क्योंकि सेल में आपको कार्ड ऑफर्स वगैरह लगे 4500 रुपये तक इजिली मिल जाते हैं। 5000 रुपीज़ में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, माइक क्वालिटी, ANC और ऑडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको फ्लैगशिप लेवल का मिलता है। वैसे इन दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनके करंट प्राइस को चेक कर सकते हो। सो ये थे OnePlus Nord Buds 3 Pro वर्सेस OnePlus Buds 3। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।